बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ सलमान। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मुल्तान एनी वजीर पर। उम्मीद है दोस्तों आप और आपके घर खैर से होंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग उकरीना की कॉलोनी में मौजूद हैं और यहां पर मेरे साथ जो है इस कॉलोनी के ऑनर है इरफान भाई, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक, आप सुनाएं। अच्छा इरफान भाई, कॉलोनी के बारे में बताइए सबसे पहले, इसके अंदर कौन कौन से रिंगनेक मौजूद है? सर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20 से 25 पेयर हैं रिंगनेक के, अच्छा, जो ब्रीडर हैं। इसके अलावा मैंने 2 पेयर रा के लगाए हुए हैं, अच्छा, जो मैंने इसी साल परचेज किया था और इसी साल उन्होंने ब्रीड की और दोनों के जो है ना अंडे अनफर्टाइल आए थे। अच्छा जी। अच्छा इस कॉलोनी के अंदर जो है वो कितने पेयर आपने लगाए हुए हैं और इसका क्या साइज है, ये भी बताएं हमारे को। जी सर, इस कॉलोनी में मेरे पास पहले तो ज़्यादा पेयर थे, तकरीबन 35-40 पेयर था, लेकिन उसमें से मैंने छांडी करके जो मेरे पास अच्छे पेयर बचे हैं वो अब तकरीबन 22-25 पेयर हैं, जो माशाल्लाह से सब के सब ब्रीडर हैं। और इस कॉलोनी का जो साइज़ है वो 10x10 है और इसकी हाइट जो है वो 8 फीट है। ठीक है। अच्छा किस तरह का बर्ड है रिंगनेक और किस तरह जो है वो ब्रीड करता है, कितनी ब्रीड करता है साल में और दाने वगैरह में क्या देते हैं और कितने कलेक्ट करता है, ये जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली हमारे दोस्तों को बताएं ताकि उन्हें भी पता चले। जी सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिंगनेक की अच्छी एवरेज आ रही है, काफ़ी दोस्तों ने ये वीडियो भी देखी होगी। ये मेरा दूसरा सेटअप है, एक मेरा सेटअप वो अलग है, छोटा सा सेटअप है चिंचिंच का और डाव का। और ये जो है मैंने कॉलोनी इस वजह से लगाई क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है रिंगनेक को, मैंने इस वजह से इनको कॉलोनी में डाल दिया। अब मेरे पास ये जो 20-25 पेयर लगे हुए हैं इनमें से 17 से 18 पेयर आराम से चल जाते हैं मेरे पास, ब्रीड कर देते हैं। और ये जो है ना इस तरीके का माहौल देने के बावजूद ये 3 क्लच आराम से कर देते हैं मेरे पास। अच्छा जी। और इसमें 3 क्लच करते हैं और एवरेज जो बच्चों की आती है वो मेरे पास 4 से लेकर 6 तक की एवरेज आती है। जी अच्छा इरफान भाई, अपना जो है वो नंबर भी बता दें ताकि अगर कोई दोस्त इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहे या रिंगनेक से रिलेटेड जो है वो कुछ आपसे जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो अपना नंबर बता दें ताकि जो है दोस्त आसानी से रब्ता कर सकें। जी सर, मेरा नंबर है 0306-36-64-507, ये व्हाट्सएप भी इसी के ऊपर बना हुआ है। जो दोस्त लेना चाहता है वो भी रब्ता कर सकते हैं, अगर जो कोई दोस्त हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो भी रब्ता कर सकते हैं हमसे। जी अच्छा, कितना टाइम हो गया कॉलोनी के बनाए हुए और कितना अर्न कर लेते हैं इस कॉलोनी से? जी सर देखें, शौक़ करते हुए तो बचपन से ही शौक़ कर रहे हैं, लेकिन रिंगनेक का जो प्रॉपर तरीके से वो जो शौक़ किया है मैंने 4 साल हो चुके हैं मुझे इसमें। मैंने पट्टे लेके ही तैयार किए थे और अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसका 2 साल हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से ब्रीड आ रही है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बर्ड से जो है ना एक सीज़न का यानी 1 साल का 2 से 2.5 लाख रुपये आराम से निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसका खर्चा वगैरह निकालने जी के जी खर्चा निकालने के बाद 2 से 2.5 लाख। जी जी जी, ये 2 से 2.5 लाख प्रॉफिट है। जी एक तो कॉलोनी का ये फ़ायदा है कि इसको टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ता, सुबह तकरीबन आधा घंटा सुबह लगता है, आधा घंटा शाम को लगता है। कॉलोनी में यह है कि सॉफ्ट फूड जो भी चीज़ें डालें एक साथ डाल देते हैं के बाद इंजॉय करते रहते हैं। इरफान भाई मैं देख रहा हूँ कि बॉक्सेस लगाए हुए हैं, बाकी लोगों ने जो है उतार दी, क्या वजह और क्यों नहीं उतारे अभी तक बॉक्सेस? सर देखें, मेरे पास एक तो कॉलोनी लगी हुई है, कॉलोनी के जो बर्ड्स होते हैं इनके पूरे 12 माह जो है ना आप इनके बॉक्स अंदर लगे ही रहने देते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मौसम में ब्रीड के मौसम में ब्रीड करते हैं, कुछ जो होते हैं मौसम ऑफ भी हो जाता है तब भी जो है ना ब्रीड करते हैं, तो इस वजह से मैंने जो है ना बॉक्स इनके लगे रहने देता हूँ और ये इसकी ब्रीड आती रहती है मेरे पास। ठीक है जी। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपको जो है इरफान भाई के रिंगनेक दिखाते हैं। अच्छा इरफान भाई, काफ़ी सारे रिंगनेक लगाए हैं आपने यहाँ पर, तो कॉलोनी में फाइट वगैरह तो नहीं होती इनका? क्योंकि काफ़ी लोग जो है काफ़ी दोस्तों के माइंड में ये आ रहा होगा कि जी ये लड़ते होंगे, तो इसके बारे में बताइए। सर देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये लड़ते हैं, और एक बात ये है कि आप अगर मेल फीमेल पूरे करके कॉलोनी में नहीं छोड़ेंगे तब जो है ना ये लड़ते हैं। अगर आपके पास मेल और फीमेल बिल्कुल कंप्लीट हैं पूरे हैं तो ये कभी भी जो है ना नहीं लड़ते। और एक बात ये कि आपके पास अगर मेल 10 हैं तो आपने फीमेल इसको 12 से 13 देनी चाहिए। अच्छा। फीमेल ज़्यादा हों तब ये फाइट नहीं करते, अगर इसके मेल ज़्यादा हैं तब ये जो है ना फाइट ज़्यादा करते हैं। यानी मेल्स जो हैं वो ज़्यादा तंग करते हैं कॉलोनी के अंदर? जी जी, मेल जो है ना वो ज़्यादा तंग करते हैं उनको, और फीमेल जो होती हैं वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, और बाद आपस में मेल भी लड़ पड़ते हैं अगर फीमेलें कम हो तो इस वजह से जो है ना मैंने फीमेलें जो है ना एक दो ज़्यादा एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, ये भी बताएं कि इनमें जो है वो कॉमन बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं
क्योंकि वैसे है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्ड है, लेकिन बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं ये बताएं। सर इसमें वैसे तो कम ही बीमारी होती है, लेकिन ये है कि फैदर प्लेटिंग का इनको मसला होता है। जब इनके पर जो है ना वो झड़ रहे होते हैं तो ये एक होती है इनको, तब जो है ना हम इनको विटामिन कुछ दे देते हैं, मेडिसिन डाल देते हैं, तब जो है ना ये पानी में मिला के तब ये उन्हें अच्छे तरीके से ये गाइड हो जाते हैं और फिर जो है ना ये जल्दी कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसको जो है ना बीमारी से इसको ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। हाँ, अलग करके आप इसकी मेडिसिन करें, ट्रीटमेंट करें, तब जो है ना ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक बर्ड, इसके जो है वो फैदर वगैरह प्लग होंगे, तो इसके कब तक आ जाएंगे ये पूरे प्रॉपर, यानी कब तक ये अपनी असल हालत में आ जाएगा? सर देखें, ये इनको जब फैदर करते हैं ना प्लकिंग, इसकी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से लेके दोबारा आने तक का जो पीरियड है वो 2 माह का है, यानी 2 माह में ये कंप्लीट हो जाते हैं। गिराने से लेके दोबारा इसके फैदर आने तक का जो सफ़र है वो 2 मंथ का है। ठीक है, सीन तो पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, माशाल्लाह से इनके तमाम बर्ड जो हैं वो हेल्दी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि साइज़ इनके बहुत अच्छे हैं, इन तमाम जो रिंगनेक्स के साइज़ बहुत अच्छे हैं, बाकी जो हम आम देखते हैं मार्केट में रिंगनेक्स उससे थोड़ा बड़ा साइज़ है, कि क्योंकि यही वजह है कि कॉलोनी में लगाया हुआ इनको, और खाना पानी जो है वो दाना अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, और लाइट इनको बहुत अच्छी मिली हुई है, इस वजह से जो है वो अच्छा इनका साइज़ है। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं कि अगर कोई दोस्त हमारा रिंगनेक्स वगैरह आपके लेना चाहे इस कॉलोनी के अंदर से ब्रीडर, तो वो भी मिल जाएंगे? जी सर देखें, पहले तो ब्रीडर जो होते हैं कंफर्म ब्रीडर वो कोई नहीं लेता, लेकिन अगर कोई बंदा आपके चैनल के तवस्तों से आता है, आपकी वीडियो से आता है, तो आपका नाम लेके रेफरेंस करता है, तो फिर हम इंशाल्लाह उनको ज़रूर बर्ड्स देंगे, और इंशाल्लाह वो जो बर्ड भी पसंद करेगा वही बर्ड्स इंशाल्लाह उनको देंगे। यानी अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे दे? जी जी जी, अपनी मर्ज़ी से जो भी उसको पसंद आता है, उस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले, वो हमें बताए कि हमें भाई ये वाले मेल और ये वाले फीमेल पसंद है, क्योंकि हमने रखे हुए हैं, हमें तो पता है एक एक बर्ड्स का कि ये बर्ड किसके साथ लगा हुआ है, ये बर्ड किसके साथ लगा हुआ है, इसकी क्या एवरेज आ रही है, क्योंकि हमारे पास इनका जो है ना पूरा शेड्यूल है, ए टू जेड शेड्यूल है, कि एक ये पेयर कितना बच्चे निकालता है, ये पेयर कितना बच्चे निकालता है, जिस बंदे को गारंटी के साथ पेयर चाहिए उसको उसी गारंटी के साथ पेयर मिल जाएगा। अभी जो है ना मेरे पास 1-2 पेयर ऐसे भी हैं जो अभी से जो है ना बॉक्स में जाना स्टार्ट हो गए हैं, और वो जो है ना इंशाल्लाह अगस्त स्टार्ट होते ही वो ब्रीड इंशाल्लाह कर देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक पेयर मेरा यहाँ है जो अभी बॉक्स के अंदर है। जी जी जी, हाँ सर ये देखें, ये जो है ना इसमें अंदर है, तो इंशाल्लाह ये बर्ड ब्रीड कर देगा 1-2 दिन तक। इरफान भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपने पहाड़ी भी लगाई है, तो पहाड़ी के बारे में बताइए, कब आपने स्टार्ट किया और कैसे ब्रीड कर रहे हैं आपके पास? सर देखिए, माशाल्लाह से पहाड़ी को लिए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, जब से मैंने लिए पट्ठे लिए थे, अडल्ट पट्ठे लिए थे, और इनको मैंने तैयार किया, और तैयार करने के बाद इन्होंने फर्स्ट इस बार जो है ना मेरे पास ब्रीड की थी, और 2 प्यारे मेरे पास दोनों ने ब्रीड की, 2-2 क्लच दी, और दोनों के अंडे जो है ना वो ख़राब हो गए थे। अच्छा हाँ, और जो दोस्त इस पहाड़ी का शौक़ करना चाहता है, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आपको अगर कहीं से अच्छे ब्रीडर पेयर मिल रहे हैं ना, तो आप वो परचेज़ कर लें। अगर आप पट्ठे तैयार करते हैं तो उससे जो है ना आपका टाइम ज़्यादा जो है ना वो लग जाता है इसमें। अच्छा सर, मैं बाकी जो है वो लोग कहते हैं कि जी आप लोग पट्ठे लें, आप कह रहे हैं बड़े पेयर लें, तो इसका क्या सीन है, ये इसके बारे में बताएंगे? सर देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर रिंगनेक की बात कर लें पहले, तो रिंगनेक में अगर आपको पट्ठे कहीं से मिल जाते हैं, जैसे वर्ल्ड पट्ठे होते हैं जंगली, वो आपको 3500-4000 रुपये का पेयर मिल जाता है। आप उसको 2 साल तैयार करते हैं, 2 साल जा के बाद में जो है ना वो ब्रीड करता है आपके पास। लेकिन अगर वही 4000 का जो पेयर मिल रहा है आपको, अगर वो 4000 की बजाय आप 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर लेंगे बड़े पेयर में, तो ही आपको 2-3 मंथ में, जब ब्रीडिंग सीज़न से पहले जो आप लेंगे ना, तो वो आपको एक ही क्लच में, यानी कि एक ही जो है ना बार ब्रीड करेगा, वो 4 बच्चे भी निकाल ले, तो आपको 12-15 हज़ार रुपये एक ही क्लच के दे जाता है वो बर्ड। आप कहीं से एतमाद वाली जगह से लें, जिसका सेटअप आपने देखा हुआ हो या जिसकी एवरेज आपके सामने हो, तो वहाँ से जो है ना आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा के अपने ब्रीडर पेयर ले लें। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है वो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे और सलमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।